नमस्ते, मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि आखिर आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके घर में धन या फिर पैसा नहीं टिकता, सेविंग नहीं होती है। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम अपने पैसे को जोड़ नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें मेन गेट की, तो वहाँ पर अगर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप कोशिश करें कि यहाँ पर अंधेरा ना रहे। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप अपने मेन गेट के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाएंगे। दूसरा, आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी बर्तन टूटा हुआ ना हो। कोशिश करें अगर कोई भी बर्तन आपके किचन में टूटा हुआ है तो उसको भी आप संभाल लें, उसको ठीक कराएं। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई भी जूते या फिर चप्पल टूटे हुए ना हो। अगर इस तरीके के कोई भी चप्पल या जूते आपके घर में टूटे हुए हैं तो आप प्लीज़ उनको या तो रिप्लेस कर दें या ठीक करा लें। अगर कोई ऐसे जूते चप्पल हैं जो आपको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से पहन नहीं रहे हैं और वो फट रहे हैं या टूट रहे हैं, तो आप उसको कोशिश करिए घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर में टैप यानी कि आपके घर के नलके वो आपके जो है लीक हो रहे हैं या उसमें से पानी टपकता है, तो ये भी कारण है कि आप अपने घर में सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर के टैप्स अगर ख़राब होते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी ही ठीक करा दें। चौथा, अगर हम बात करें, अगर आप अपने घर के अंदर हमेशा एक घूमस करके रखते हैं, आप अपने घर की खिड़कियों को खोलते नहीं हैं, दरवाज़ों को सुबह और शाम अगर आप खोलेंगे तो ये आपकी सेविंग्स में बढ़ाएंगे, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। कोई भी शीशा अगर आपके घर में टूटा हुआ है तो आपको वो भी नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कोशिश करें कि आपके घर में कोई भी शीशा अगर टूटा हुआ है तो उसको भी आप रिप्लेस करें, उसको भी हटा दें और उसकी जगह कोई नया शीशा लगा लें। बात अगर करें आपके घर के जो भी घर में अगर कोई कबाड़ पड़ा हुआ है तो उसका भी आप ध्यान रखिए कि कबाड़ अगर आपके घर में पड़ा है तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी निकाल के बाहर करें, क्योंकि घर में कबाड़ इकट्ठा होना भी एक सेविंग्स को जोड़, कोई भी मतलब लाइक मनी को पैसे को जोड़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप घर को, घर में सेविंग्स भी कर पाएंगे, इनकम भी अच्छी होगी। तो आप इन जरूर इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।